हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज 12 नवंबर है, आज एक्सपायरी डे है। तो अभी मैं 12650 का कॉल शॉर्ट करूंगा। तो मैं जैसे ही पोजीशन बना लेता हूं और उसको मैं आज मैं हेज भी करूंगा, तो जैसे मैं पोजीशन बना लेता हूं तो फिर आपको अपडेट करता हूं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पोजीशन बना लिया। मैंने 12650 का कॉल 12 नवंबर का सेम एक्सपायरी का 49 रुपये के रेट से 3 लॉट मैंने सेल किए हैं। आप देख सकते हैं -3 क्वान्टिटी, ठीक है। और इधर से मैंने इसे हेज कर दिया है 12 नवंबर का ही। 12750 का कॉल मैंने 3 लॉट बाई भी कर लिया है। तो ये भी तो मेरा सिंपली लॉस दिखा रहा है 1400-1500 रुपये का। तो कोई बात नहीं है, बट मैंने ट्रेड तो ले लिया है। तो जैसा भी होगा मैं अपडेट करूंगा। एंड में ट्रेड पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए, मेरे लिए स्ट्रेटजी से ज़्यादा मार्केट व्यू इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने अपने व्यू के हिसाब से ट्रेड लिया है। एंड मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट 11650 पे ही एक्सपायर होगा, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको लॉजिक क्या है। लॉजिक सिंपल है गाइस, देख सकते हैं आप। इधर से 12700 पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है आज ही की डेट में, और ओवरऑल भी आप देख सकते हैं 12700 पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है। एंड मैं आपको इसका, आप ये ऑप्शन चेन है, ये गाइस सेंसिबल का अकाउंट है। यहाँ देख सकते हैं मैक्स पेन भी गाइस अभी 11650 का ही शो कर रहा है। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम समझ में आएगी, अगर एडजस्टमेंट वगैरह करने होंगे तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तब तक मैं बना रहता हूँ स्ट्रेटजी में एंड देखता हूँ कि क्या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं। तो सिंपली आप फंड देख लो, मेरा मेरा फंड कितना लगा है इसमें गाइस। इसमें देखो फंड मेरा 13,000 रुपये लगे हैं गाइस। बहुत सारे लोग को डाउट रहते हैं कि आप कैसे कर ले। तो देखो, आज एक्सपायरी का डे है एंड 3 लॉट मैंने सेल किया है, 3 लॉट मैंने बाई किया है कॉल को। तो इसमें मेरा पूरा मार्जिन 13,000 रुपये ही लगा है गाइस। ये है एंजल ब्रोकिंग का पावर गाइस। मैं इसीलिए एंजल ब्रोकिंग को यूज करता हूँ ताकि वो मुझे मार्जिन काफ़ी अच्छा देते हैं इंट्राडे में, अगर मैं हेज करके करता हूँ तो। तो मैंने 13,000 रुपये में 3 लॉट सेल भी कर दिए हैं, 3 लॉट बाई भी कर दिए हैं। तो देखता हूँ क्या हो रहा है अभी। अगर आप भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से ओपन करेंगे तो फ्री में अकाउंट भी ओपन होगा एंड आपको मेरा एक स्पेशल कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अभी तो लॉस ही चल रहा है फिलहाल, देखता हूँ फिर कैसा होता है। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। सुबह के अभी 11 बज रहे हैं, अभी तो देख सकते हैं आप 1900 से 2000 का लॉस ही दिख रहा है। तो चलने देते हैं मार्केट को, जी जैसा होगा आपको अपडेट करूंगा। तो काफ़ी टाइम के बाद देख सकते हैं सके आप, 1:21 हो रहे हैं। तो अब जाके मेरा प्रॉफिट चल रहा है गाइस अप्रॉक्स 900 रुपये का। तो देखिए, यही होता है मार्केट पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मार्केट पे आपको अपने ट्रेडिंग एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे देखे, मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड लिया था एंड मार्केट अभी तक पोजिशन मैंने बनाया है, बट अभी वैसे भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिख रहे हैं। तो जैसा भी होता है मैं अपडेट करूंगा आपको। बस अभी मैं इसी ट्रेड में बना हूं। अगर मार्केट 11650 पे ही एक्सपायर हो जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज इसके नीचे ही एक्सपायर हो, इस 11650 से ऊपर एक्सपायर ना हो, मेरा इस ट्रेड में अप्रोक्स 12850 तक का ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा। 12650 + 30, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें 44 रुपये का मैंने 50 रुपये का प्रीमियम सेल किया है एंड 15 रुपये का प्रीमियम किया है। तो कितना हो जाएगा, 30 पॉइंट। यानी कि देखिए, मैंने यहाँ पे 12650 का कॉल सेल किया है, तो 30 पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिए तो 12680 तक का मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर 12680 के नीचे मार्केट एक्सपायर होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर 12680 के मार्केट ऊपर एक्सपायर होगा तो मुझे डेफिनेटली लॉस होगा। तो बस ट्रेड में बना रहा हूँ, बिकॉज मैंने देखिए यहाँ पे मैंने 12650 का कॉल सेल किया है और 12750 का कॉल बाई किया है, जिसे मैंने हेज किया है। तो अभी देख सकते हैं अभी प्रॉफिट चल रहा है सिंपली 800 से 900 रुपये का। बट अगर मार्केट यहीं पर एक्सपायर भी हो जाएगा तब पर भी मुझे प्रॉफिट और होगा, बिकॉज अभी भी कुछ थीटा डी के बचे हैं। तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करूंगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि देख रहे हैं अभी 1400 से 1500 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी भी मार्केट सेम उसी डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए मार्केट यहीं पर भी साइडवेज भी रहेगा, बिकॉज आज एक्सपायरी है और अब 1:30 बज गए हैं, तो अब काफी तेज थीटा डीके होगा।
अब जो भी टाइम बचा है उसमें काफी फास्ट डेटा डीके होता है, तो बस मार्केट यहीं पे कहीं अगर साइडवेज भी रहेगा तब पर भी मैं काफी फास्ट प्रॉफिट मिलेगा। एंड देखिए अगर मेरा व्यू क्या है, देखिए मेरे अगर मार्केट मेरे हिसाब से मार्केट नीचे ही जाना चाहिए, और मार्केट अगर गया था 12,650 के नीचे एक्सपायर हो गया, अभी 12,650 पर भी एक्सपायर हो गया, तो मुझे डेफिनेटली प्रॉफिट होंगे। एंड यहाँ आप देख सकते हैं, मैं देखिए ओपन इंटरेस्ट को मैं काफी फॉलो करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट भी अभी काफी हद तक है। आज के दिन देख सकते हैं यहाँ पे 11,700 पर भी काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है, तो जिससे चांसेस हैं कि मार्केट 11,650 पे एक्सपायर हो। बिकॉज मैक्स पेन भी मैं देखा देता हूँ आपको, मैक्स पेन भी अभी शो कर रहा है 11,650 पे ही, तो चांसेस अभी बने हैं। और पीसीआर भी नॉर्मल हो चुके हैं F1 के करीब, तो ये भी साइडवाइज का सिनेरियो है, तो बस चल रहा है, चलने देते हैं प्रॉफिट। जैसा भी होगा फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। देख सकते हैं गाइस अभी मार्केट 12,636 पे चलने लगा, यानी कि मेरे फेवर में मार्केट जा रहा है, बट अभी आप देख सकते हैं 3,000 का प्रॉफिट चल रहा है। देखिए इसमें मेरा मैक्स प्रॉफिट अप्रॉक्स 7,000 रुपये का है, लेकिन अब मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है। मेरे जो है मार्केट ने मेरा आज पेशेंस काफी टेस्ट किया, मैंने सुबह ही पोजिशन बनाई थी और पूरे दिन मैंने अपने पोजिशन में बना रहा, तो मैं ये देखता हूँ जैसा भी सिनेरियो होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट सिंपली अभी देखिए अभी मार्केट 11,638 पे चल रहा है, अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर होगा तब तो मुझे मैक्स प्रॉफिट होगा। बस मेरे जान जी मेरी बाउंड्री लाइन कहाँ पे होगी मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने 12,650 का कॉल सेल किया, तो ये 12,050 का बाउंड्री लाइन मैंने लगा दी। अगर मार्केट देखिए मार्केट इसके नीचे कहीं भी एक्सपायर हो जाए तो मुझे मैक्स प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट इस पॉइंट पर भी अगर एक्सपायर होगा तब पर भी मुझे मैक्स प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बस देखते हैं अभी मार्केट को क्लोज होने में अभी अभी 1:30 बज रहे हैं अप्रोक्स, अभी टाइम है मार्केट को एक्सपायर होने में, तो जैसे ही अगर थोड़ा देर और रहेगा इसी तरह मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे जाएगा तो काफी मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं वैसे समय पे एग्जिट कर लूंगा, तो फिर अभी बने रहते हैं ट्रेड में अपने। हेलो गाइस, तो देखिए अभी सिंपली अब 1,300-1,400 प्रॉफिट दिखने लगा, अभी मार्केट में इस पॉइंट पर था तो मुझे 4,500 का प्रॉफिट दिख रहा था, बट मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो मे बी आज मैंने राइट टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग करने में चूक गई, मेरे से मिस्टेक हो चुकी है। बिकॉज मार्केट इस एरिया से आप देख सकते हैं इस एरिया से प्रॉपर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ है एंड लगातार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो मे बी आज प्रॉफिट अच्छा नाम बुक कर पाऊं मैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ट्रेड में बना रहूंगा। बिकॉज मैंने आज हेजिंग कर रखी है, और ये जो ऊपर वाली रेड लाइन एरिया है, ये जो मैंने रेड लाइन एरिया मैंने ड्रॉ कर रखी है, अगर इसके नीचे मार्केट कहीं भी एक्सपायर होगा तो मैं डेफिनेटली प्रॉफिट में रहूंगा, तो अभी मैं बना रहता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। बिकॉज अब मार्केट काफी ऊपर जा चुका है तो मुझे लॉस फिर से दिखने लगे। देखिए ये मार्केट है गाइस, इसमें इतना कोई भी परेशान वाली बात नहीं है, मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस होना गेम है, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है, प्रॉफिट होना लॉस होना, हर जरूरी नहीं कि हर बात आप प्रॉफिट ही करें। बस देखिए ये छोटी छोटी गलतियां जो आदमी जो नए ट्रेडर्स करते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मैं इसीलिए अपने पीछे के ट्रेड में मैं सही राइट टाइम पर, आपने देखा होगा मैं राइट टाइम पर एग्जिट कर लेता हूँ, बट आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने राइट टाइम की एग्जिट को मिस कर दिया है, तो बस तो अभी सिंपल सी बना हूं, अभी भी मार्केट क्लोज होने में अप्रोक्स 1.5 घंटे समय है, लेकिन अब मुझे उतने प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है जितना मुझे पहले लग रहा था। मैंने मेरा व्यू सिंपली ये था कि मार्केट ये वाले सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, इसने बैक टू बैक बड़ी बड़ी कैंडल बना दी है ग्रीन लास्ट टाइम पर, तो कोई उतना इशू नहीं है, देखते हैं प्रॉफिट हो या लॉस हो, अब तो ट्रेड ले लिया है, तो बस अभी अपने कॉन्फिडेंस पे बैठा हूँ कि फिर भी मार्केट में भी कुछ तो प्रॉफिट आज देगा ही, बट मार्केट है, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, तो यही सब लर्निंग पॉइंट होते हैं जो आपको सीखने चाहिए। और गाइज मैं केवल वही पोस्ट करता हूँ जिसमें लर्निंग पॉइंट कुछ ना कुछ छिपे हों, तो अभी भी मार्केट क्लोज होने में समय है, देखता हूँ क्या हो रहा है। एक बार फिर से मार्केट मेरे रेंज के अंदर आ गया है। नॉर्मली डेज पे ऐसा होता नहीं है कि मार्केट सडनली डाउनफॉल हो एक्सपायरी के टाइम, और 1:30 बजे के बाद
और जितना तेजी से नीचे है उतना तेजी से ऊपर भी चला गया, फिर देखिए डाउनफॉल आ गया। तो काफी वोलेटाइल लास्ट के कुछ घंटे मार्केट में बिताए हैं। तो देखिए अब देखिए 5,000 प्रॉफिट चल रहा है, तो अब मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करने वाला हूँ। तो मैं सिंपली इसे मोबाइल से एग्जिट करता हूँ, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि मैं इसे मोबाइल से एग्जिट करता हूँ, तो मैं एग्जिट करके बताता हूँ आप लोगों को। तो गाइज आज सिंपली मैंने 4,000 का प्रॉफिट आपके सामने बुक किया है, जो मेरे यूज्ड कैपिटल का, देखिए मेरे यूज आज मैंने कितना किया, मैंने 14,000 रुपये प्लस लगाए थे, तो 4,000 डिवाइड बाई 14,000 इज इक्वल टू 100। तो अप्रोक्स आज मैंने 28 से 29% अपने यूज गाइज आज मैं देखिए आज मार्केट थोड़ा सा काफी हलचल भरा रहा था। देखिए मैं अगर वेट करता तो मार्केट में जो प्रॉफिट दे देता, बट इतना देखिए रिग्रेट, मैं मार्केट में रिग्रेट फील बिल्कुल नहीं करता हूँ, बिकॉज देखिए मैं एक बार सही एग्जिट पॉइंट मिस कर दिया था एंड अगेन मार्केट ने तुरंत ही रिवर्स लिया, तो उतना अब वेट करने का कोई सेंस नहीं बन रहा था, बिकॉज मार्केट काफी मूव दे चुका था। तो इसके वजह से मैंने एग्जिट कर दिया एंड 4,000 का प्रॉफिट मैंने आज बुक किया है। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। एंड देखिए ट्रेडिंग एनालिसिस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसके वजह से मैंने आज पूरे दिन मार्केट में वेट किया। आप देख सकते हैं अभी 3 बजने के अप्रॉक्स 2:40 हो रहे हैं, तो ये सब काफी मैटर करता है। जब देखिए जब आपको आपको अपने एनालिसिस पर कॉन्फिडेंस रहता है तो आप पेशेंस रख सकते हैं। देखिए मैंने हेज भी कर दिया था मार्केट में आज, तो इसके वजह से मैंने आज काफी ट्रेड किया है। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। एंड एंजल ब्रोकिंग में अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपके सामने डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है, वहां से ओपन कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि इंटरडे में काफी अच्छे मार्जिन प्रोवाइड करते हैं और इसका ब्रोकरेज चार्ज भी 20 रुपीज पर ऑर्डर ही है। जैसे मैंने इसमें क्या था, इसे मैंने देखिए आज मैंने 2 ऑर्डर लगाए थे, तो प्लस मेरे इसमें 80 रुपये ब्रोकरेज लगेंगे, बिकॉज मैंने 2 ऑर्डर सेल भी किए थे फिर 2 ऑर्डर बाई भी किए थे, ठीक है। तो प्लस मुझे 80 रुपये ब्रोकर लगेगा और प्लस जो GST वगैरह लगता है वो अलग से लगेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।